इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड के बोकारो से, जहां सिटी थाना इलाके के बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर एक ट्रक के चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की गंभीर रूप से वह घायल हो गया और स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना के उपरांत गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर बताया जाए क्या घटना हुई थी, अभी क्या किया जा रहा है? बारी को प्रति मोड़ एन एच पे गाड़ी बड़ी गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कुछ स्थानीय लोग जाम किए गए थे, लेकिन समझाने बुझाने के और जो प्रबुद्ध स्थानीय हैं लोगों के कहने पे रोड जाम हटा लिया गया है और जो सरकारी सहायता के रूप में जो राशि मिलनी है वो सी ओ साहब भी उपस्थित हुए हैं घटनास्थल पर और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग इसका जो मुआवजा है वो हम लोग दिलवाएंगे और अन्य माध्यम से और अन्य सुविधाओं के लिए जो पोर्टल है या किसी प्रकार का और कुछ सुविधा है वो हम लोग दिलवाने का संभव प्रयास करें। सर यहाँ के लोगों को क्या मांग है, यहाँ लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं? विगत कुछ महीने पहले भी यहाँ पर दुर्घटनाएँ हुई हैं, इसमें आज की घटना को देखते हुए भी प्रशासन और सिविल प्रशासन यहाँ पर और भी ब्रेकर बनाया गया था पिछले बार और इसमें जो भी हो सकता है कि इसमें चौड़ा यहाँ पर जो खुला हुआ है और थोड़ा सा भी दिया जाए और डी टी ओ साहब से और एन एच आई से भी हम लोग बात करके इसमें जो भी इसमें कार्रवाई हो सकती है हम लोग करेंगे। सर सड़क दुर्घटना हुई है, किस तरह का मुआवजा इनको मिलने जा रहा है? सड़क दुर्घटना में मेनली जो है मुआवजा, अभी पहले तो पारिवारिक लाभ योजना के तहत हम लोग 20,000 रुपया देंगे, इसके लिए जो है प्रभावित परिवार को बता दिया गया है और हमारे स्तर से मेरे कर्मचारी इनके संपर्क में रह करके तुरंत इनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जो है हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, जनता के बीच में जो है जानकारी का अभाव है, अगर हम लोग ई पोर्टल के माध्यम से सारे श्रमिकों को जोड़ सके तो उससे जो है लोग इस तरह की दुर्भावपूर्ण जो घटना घटती है उसमें प्रभावित परिवार को बहुत अच्छा मुआवजा आपसे मिल जाता है और उससे कुछ सहायता उन्हें मिल जाती है।